वेलकम टू टोटल टेस्ट इसकी किचन। चलिए आज बनाते हैं गुड़ के स्वादिष्ट गुलगुले। गुड़ के स्वादिष्ट गुलगुले बनाने के लिए हमने 3 टेबल स्पून आटा लिया है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आटा को घटाया बढ़ा सकते हैं। अब आप इस आटा को एक बाउल में डाल दें और अब हम इसमें गुड़ का सिरप मिलाएंगे। गुड़ का सिरप बनाने के लिए आप गुड़ में पानी डालकर उसको आधा घंटा छोड़ दें और फिर छानकर उसको इस्तेमाल करें। और ये हमने गुड़ का सिरप ले लिया है और अब हम धीरे धीरे करके इस आटे में इसको डालेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। आपने इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। अगर आप एक ही रो में इसको कंटिन्यू 5 से 10 मिनट चलाएंगे तो हमारा जो पेस्ट है उसके अंदर एयर चली जाती है और एयर जाने से जो आपका गुलगुला है वह काफ़ी फ्लफी बनकर तैयार होता है। गुड़ का जो गुलगुला होता है वह खाने में बहुत स्वादिष्ट बनता है। और अब ये देखिए, हमने इसको कंटिन्यू चलाते हुए इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसमें 1 पिंच बेकिंग पाउडर डाल देंगे। बेकिंग पाउडर डाल देने से गुलगुला जो है वह काफ़ी फूला हुआ बनता है और टेस्टी भी लगता है। और अब हमने गैस पर ऑयल रख दिया है। जब हमारा ऑयल अच्छी तरह पक जाएगा तब हम इसमें छोटे छोटे पीसेस में करके इसमें गुलगुला डालेंगे। हमने पहले पानी में हाथ गीला कर लेना है और इस तरीके से छोटा छोटा पार्ट लेके ऑयल में डाल देना है। और ये देखिए, हमारा जो गुलगुला है वह बिल्कुल राउंड शेप में जा रहा है। इस तरीके से आप पानी में हाथ गीला करते रहें और छोटा छोटा पार्ट लेके ऑयल में डालते रहें। जब आप गुलगुले इसमें ऑयल में डालें तब आपने गैस का फ्लेम लो कर लेना है। और ये देखिए, हमारा जो गुलगुला है वह एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब आप उसको पलट लें और उलट पुलट करते हुए उसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें और आपका जो गुलगुला है वह सिककर तैयार हो गया है। अब आपने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है और आपका गुलगुला बनकर तैयार हो गया है। यह ऊपर से क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। यह गुलाब जामुन से भी टेस्टी लगता है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें।